हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी, यानी कि कॉलोनी में सर्वे किया गया और ये डेटा कलेक्ट किया गया। इस डेटा में हमें अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है कि कितने लोग किसी स्पोर्ट को देखना पसंद करते हैं और कितने लोग किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, यानी उस स्पोर्ट को खेलना पसंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रिकेट को वॉच करने वाले यानी देखने वाले कितने लोग हैं, 1240, और क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने वाले यानी क्रिकेट को खेलने वाले कितने लोग हैं, 620। ऐसे ही बास्केटबॉल को देखने वाले कितने लोग हैं, 470। बास्केटबॉल को खेलने वाले कितने लोग हैं, 320। स्विमिंग को देखने वाले कितने लोग हैं, 510। स्विमिंग में पार्टिसिपेट करने वाले यानी स्विमिंग करने वाले कितने लोग हैं, 320। हॉकी देखने वाले कितने लोग हैं, 430। और हॉकी में पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोग हैं, 250। एथलेटिक्स देखने वाले कितने लोग हैं, 250। और एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोग हैं, 105। और उसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, यानी कि यहाँ पर हमें डबल बार ग्राफ बनाना है और हमसे ये भी कहा गया है कि अप्रोप्रिएट स्केल भी चूज करना है। और उसके बाद हमसे कहा गया है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, और जो बार ग्राफ यहाँ पर बनेगा उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हम इस डेटा को इस डबल बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे एक्स एक्सिस और यहाँ पर हम बनाएंगे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे स्पोर्ट्स को और वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ पर्संस को। इस क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा गया था स्टूडेंट्स कि हमें अप्रोप्रिएट स्केल चूज करना है, यानी वाई एक्सिस पे जो हम नंबर यहाँ पर शो करेंगे इनमें गैप कितना होगा। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो डाटा हमें दिया गया है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1240। तो वाई एक्सिस पे जो ये नंबर्स है ये 1300 तक तो जाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम 100 का गैप लेते हैं तो हमारे लिए इस डाटा को रिप्रेजेंट करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पर हमने 100 का गैप लिया है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 and 1300। और यहाँ पर हमने ये भी बताया स्टूडेंट्स कि जो अनशेडेड बार होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉचिंग पर्संस को, यानी कितने लोग किसी स्पोर्ट को देखना पसंद करते हैं, ये हम दिखाएंगे अनशेडेड बार से। और शेडेड बार पार्टिसिपेटिंग पर्संस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी शेडेड बार ये दिखाएगा कि कितने लोग किसी स्पोर्ट को खेलना पसंद करते हैं, किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। और यहाँ हमने लिखा है स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पर्संस। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो हम गैप लेंगे वो कितना गैप लेंगे, 100 का गैप लेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्रिकेट को वॉच करने वाले कितने लोग हैं, 1240। तो ये जो बार यहाँ पर स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्रिकेट को वॉच करने वाले कितने लोग हैं, तो 1240 को आप यहाँ पर कैसे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या है, 1200, और जब हम यहाँ पर 100 का गैप लेते हैं तो हर लाइन पर 10 का गैप होता है। तो 1200 के बाद जो ये ऊपर वाली पहली लाइन होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, 1210। उसके बाद 1220, नेक्स्ट 1230, और उसके ऊपर क्या आएगा, 1240। तो ये बार दिखा रहा है स्टूडेंट्स कि 1240 पर्संस क्रिकेट को वॉच करना यानी देखना पसंद करते हैं। उसके बाद क्रिकेट को खेलना कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग हैं जो क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, 620। तो ये बार शो कर रहा है कि क्रिकेट को खेलना यानी क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना कितने लोग पसंद करते हैं। तो 620 कहाँ पर आएगा, ये 600 है, तो उससे अगली लाइन क्या दिखाएगी, 610, और उससे अगली लाइन क्या शो करेगी, 620। तो ये बार शो कर रहा है कि 620 पर्संस क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, और इसे हमने शेड भी करके दिखा दिया है।
और हमने यहाँ पर बताया था स्टूडेंट्स कि शेडेड बार क्या दिखाएगा कि पार्टिसिपेटिंग पर्संस कितने हैं, और अनशेडेड बार क्या दिखाएगा वॉचिंग पर्संस कितने हैं। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कितने लोग वॉच करना पसंद करते हैं क्रिकेट को, और यहाँ से पता चलेगा कितने लोग क्रिकेट को खेलना यानी क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। इसके बाद बास्केटबॉल को देखना यानी बास्केटबॉल को वॉच करना कितने लोग पसंद करते हैं, 470। तो ये बार दिखा रहा है स्टूडेंट्स कि बास्केटबॉल को कितने लोग वॉच करना पसंद करते हैं। तो 470 आप यहाँ पर कैसे शो करेंगे, ये है 400, तो उससे नेक्स्ट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, 410, 420, 430, 440, 450, 460, और यहाँ पर आएगा 470। तो ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि 470 पर्संस बास्केटबॉल को वॉच करना पसंद करते हैं। अब हम देखेंगे बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करना कितने लोग पसंद करते हैं, 320। तो ये बार दिखा रहा है स्टूडेंट्स कि कितने लोग बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो 320 आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए ये है 300, तो उससे नेक्स्ट लाइन क्या शो करेगी, 310, और उससे नेक्स्ट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, 320। तो ये बार दिखा रहा है कि 320 पर्संस बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। उसके बाद हमें दिया गया है स्विमिंग को वॉच करना कितने लोग पसंद करते हैं, 510। तो ये बार हमें दिखा रहा है कि कितने लोग स्विमिंग को वॉच करना पसंद करते हैं। तो 510 आप कहाँ पर दिखाएंगे, ये है 500, तो 500 से अगली लाइन क्या दिखाएगी, 510। तो ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स कि 510 पर्संस स्विमिंग को वॉच करना पसंद करते हैं। स्विमिंग में पार्टिसिपेट करना कितने लोग पसंद करते हैं, 320। तो ये बार यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्विमिंग में कितने लोग पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो 320 आप कहाँ पर दिखाएंगे, ये है 300, उससे नेक्स्ट लाइन क्या दिखाती है, 310, और उससे नेक्स्ट लाइन क्या दिखाएगी, 320। तो ये बार दिखा रहा है कि 320 पर्संस स्विमिंग में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। अब हम देखेंगे हॉकी को वॉच करना कितने लोग पसंद करते हैं, 430। तो ये वाला बार यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हॉकी को कितने लोग देखना पसंद करते हैं, कितने लोग वॉच करना पसंद करते हैं हॉकी को। तो 430 आप कैसे दिखाएंगे, ये है 400, तो उससे नेक्स्ट लाइन क्या दिखाती है, 410, उसके बाद 420, और उससे नेक्स्ट लाइन में आएगा 430। तो ये बार दिखा रहा है कि 430 पर्संस हॉकी को वॉच करना पसंद करते हैं। हॉकी में पार्टिसिपेट करना कितने लोग पसंद करते हैं, 250। तो ये वाला बार यहाँ पर शो कर रहा है स्टूडेंट्स कि हॉकी में पार्टिसिपेट करना कितने लोग पसंद करते हैं। 250 कहाँ आएगा, 200 और 300 के मिडल में। तो ये 200 है, ये 300 है, इन दोनों के मिडल में यहाँ आएगा 250। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये है 200, तो उससे अगली लाइन क्या होगी, 210, फिर 220, फिर 230, फिर 240, फिर यहाँ आएगा 250। तो ये बार दिखा रहा है कि 250 पर्संस हॉकी में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ डाटा में हमें दिया गया है एथलेटिक्स को वॉच करना कितने लोग पसंद करते हैं, 250 पर्संस। तो ये बार यहाँ पर दिखा रहा है कि कितने लोग एथलेटिक्स को वॉच करना पसंद करते हैं। तो 250 कहाँ आएगा, 200 और 300 के मिडल में। तो ये 200 है, ये 300 है, इन दोनों के मिडल में यहाँ आएगा 250। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये 200 है, तो इससे अगली लाइन में क्या होगा, 210, फिर 220, फिर 230, फिर 240, और फिर आएगा 250। तो ये बार हमें दिखा रहा है स्टूडेंट्स कि 250 पर्संस एथलेटिक्स को वॉच करना पसंद करते हैं। अब हम देखेंगे एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना कितने लोग पसंद करते हैं, 105। ये बार हमें दिखा रहा है स्टूडेंट्स कि कितने लोग एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। 105 आप कैसे दिखाएंगे, देखिए ये है 100, और उससे अगली लाइन क्या दिखाती है, 110, यानी कि 100 और उससे अगली लाइन के बीच में यहाँ पर आप 105 को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए आपको पेंसिल को बहुत शार्प रखना होगा, क्योंकि 100 और उससे अगली लाइन के बीच में बहुत थोड़ा सा गैप होता है, और आपको इन दोनों के बीच में ये 105 को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो ये बार हमें दिखा रहा है कि 105 पर्संस एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमने इस डेटा को डबल बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है।
और यहाँ पर हमसे ये भी पूछा गया था स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। ये जो बार ग्राफ हमने बनाया है, हमें इससे क्या पता चलता है। अब आप यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं कि ज्यादातर लोग क्रिकेट को वॉच करना और क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, जबकि कम लोग एथलेटिक्स को वॉच करना और एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है स्टूडेंट्स, इट इज इन्फर्ड दैट मोर पीपल प्रेफर क्रिकेट एंड लेस एथलेटिक्स। यानी इस बार ग्राफ को देखकर हमें ये पता चलता है कि ज्यादातर लोग क्रिकेट को प्रेफर करते हैं और कम लोग एथलेटिक्स को प्रेफर करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। यहाँ पर जो स्पोर्ट्स हमें दिए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है। तो आप अगर चाहे तो इस टेबल में से भी डाटा चेक कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ग्राफ में से भी चेक कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो है क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट वॉच करने वाले लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिकेट, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है, क्रिकेट। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, विच इज मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ज्यादा प्रेफर किसे किया जाता है, कि लोग वॉच ज्यादा करते हैं स्पोर्ट को या पार्टिसिपेट ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर इस डेटा में आप इजीली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि वॉच करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या कम है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे वॉचिंग, यानी कि ज्यादातर लोग स्पोर्ट को वॉच करना पसंद करते हैं, किसके कंपैरिजन में, पार्टिसिपेटिंग के कंपैरिजन में। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।